हाजिरी में ऐसा ही है, जो हाजिरी लगवाए वो ठीक, जो ना लगवाए वो गलत। हम तो गलत वालों से। अच्छा, अभी तक भी कोई पता नहीं चला नया बड़ा नेता आपका? आएगा भी नहीं, झाड़खाने आना है इतने दिनों के बाद। बाई चांस आपको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती, ठीक है, फिर भी जनता चाह रही आप चुनाव लड़ो, फिर क्या करो? जनता यही चाहती है कि कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा जाए। और आपने भी कहा था मेरा लास्ट चुनाव है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब फिर चुनावी उसमें आ गए। और आपका ये डायलॉग भी रहता है कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, और पॉलिटिशियन आदमी तो बूढ़ा होता ही नहीं। पॉलिटिशियन तो बिल्कुल नहीं होता, मरते दम तक नहीं होता। बड़े सालों बाद आपका जन्मदिन देखने ऐसे मनाते हुए, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही दिखा रहे हैं कि चुनाव नज़दीक हैं, अगोटी फिट हो जाए देखी जाएगी। शक्ति प्रदर्शन इन नौजवानों से पूछो, मैंने तो कभी नहीं कहा भैया आप ब्लड कैंप लगाओ, मुझे नहीं पता मैं कितने साल का। जनता जानना चाह रही है कि मतलब शेर बूढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ वाकई में। यहाँ बैठा कैसा बूढ़ा दिखाई दे रहा हूँ? मेरी तो TRP अपने आप बढ़ रही है। कई बार TRP खराब भी कर देती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो यहाँ आ रहे हैं वो सब सुधरे हुए हैं, बिगड़े हुए उधर हैं, वो जाके बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लो। ईमानदार पार्टी आ रही है, आप पार्टी जो अपने आप को करे ईमानदार है, वहाँ से लड़ लो चुनाव तो टिकट हंस के दे देगी आप। मैंने आम आदमी पार्टी से कुछ नहीं लेना, ना मैं कोई उनसे इम्प्रेस्ड हूँ। ये जो रेवड़ी ज़्यादा बांटने वाले लोग हैं ना, इनसे डरता। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। तस्वीरें पानीपत के रोटरी क्लब से आप लोग देख रहे हैं। आज पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक बलवीर पाल शाह का आज जन्मदिन है, और जाहिर तौर पर वो पुराने चेहरे आज यहाँ पर देखे जा रहे थे जो दूर चले गए थे। और भाई साहब पानीपत ने खबर चलाई थी और शाह जी खुद कहते थे मेरा कोई पता नहीं लेने आता था। मेरे को याद है कि मैंने सवाल पूछा था आपसे कि आपका कोई पता लेने नहीं आता, और उसके बाद तो फिर लाइनें लगी पता लेने की। नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा था मैं, तो नेताओं की बात कर रहा था जो दिल्ली बैठे हुए हैं। अच्छा। वो दिल्ली में ऐसा ही है, जो हाजिरी लगवाए वो ठीक, जो ना लगवाए वो गलत। हम तो गलत वालों से। अच्छा, अब तो फिर पूरा पानीपत इकट्ठा हो गया आपके लिए? तो पानीपत वाले तो पहले भी इकट्ठे थे मेरे लिए, वो तो इंतजार कर रहे थे मेरे मुंह से कुछ निकले, और आप निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। करना इन्होंने ही है, मेरे नौजवान भाइयों ने, इनके बुजुर्ग मेरे साथ थे, सारा कुछ वही है। अब जो ये चाहते हैं मुझे करना पड़ेगा, इनका आभारी हूँ, शहर वालों का आभारी हूँ। क्या चाह रहे हैं ये लोग, और आप, आपके मन की इच्छा क्या है? मन की बात तो मोदी जी करेंगे। मैं तो मन की इच्छा कह रहा हूँ, बात तो मैंने बात ही नहीं करी। एक ही बात है, इच्छा है और मन में फर्क क्या है? तो उसकी बात तो मैं कर नहीं रहा, मैं तो सीधा कहता हूँ जो ये चाहेंगे वो होगा। आवाज़ें खलक नकारे खुदा। अब ये क्या चाहते हैं इनसे पूछो। ये तो चाह रहे हैं चुनाव लड़ो। तो लड़ देंगे, पहले टिकट तो लाएं, टिकट ये ले आएंगे मैं लड़ दूंगा। आपकी आवाज़ तो ऊपर तक पहुँच रही है, जैसे लोग मिलने आ रहे हैं मीडिया के जरिए, आवाज़ तो बड़े नेताओं तक पहुँची गई है। देखो ऐसा है, पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है मुझे नहीं पता। ये तो अभी पूरी तरह मेरा ख्याल है पहुंची नहीं, जब पहुंचेगी फिर कोई बात होगी, अभी नहीं है। अच्छा, अभी तक भी कोई पता नहीं चला नया बड़ा नेता आपका? आएगा भी नहीं, झाड़खाने आना है इतने दिनों के बाद। बड़ा नेता कौन है? जो मेरे जूनियर हैं वो मेरे बड़े नेता हो जाएंगे। कमाल करते हो आप। अच्छा, आप क्या चाह रहे हो, कौन सा नेता है जो आपका पता लेने आए? भाई अब जो कुछ है वो नए हैं, मैं तो पुरानों की बात कर रहा हूँ। अब देखो क्या होता है। पुराने तो कोई कांग्रेस ही छोड़ गए, आ जाएंगे वापस। मेरे को तो नहीं छोड़ा उन्होंने, कांग्रेस ही छोड़ी है ना, मेरे को तो नहीं छोड़ा, आ जाएंगे। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि जनता जो चाहेगी वो करेंगे, बाई चांस आपको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती, ठीक है, फिर भी जनता चाह रही आप चुनाव लड़ो, फिर क्या करो? ऐसा कुछ नहीं होगा, जनता यही चाहती है कि कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा जाए। और जो दूसरे लोग तैयारियां कर रही हैं वो? किसी को मना किया जा सकता है क्या? तैयार तो सारे ही हैं, क्योंकि वो समझते हैं कांग्रेस की एक हवा चल रही है, तो उस हवा में हम निकल जाएंगे,
लेकिन ज़रूरी तो नहीं है। कुछ जो है नेता हारने के लिए भी होते हैं, टिकट लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो जीतने के लिए लो। लेकिन आपने वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी लास्ट में, उसने ये कहा था कि मेरी लास्ट फिल्म है, इसके बाद दोबारा फिल्म नहीं करूँगा, और आपने भी कहा था मेरा लास्ट चुनाव है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब फिर चुनावी उसमें आ गए, और आपका एक डायलॉग भी रहता है कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, और पॉलिटिशियन आदमी तो बूढ़ा होता ही नहीं। पॉलिटिशियन तो बिल्कुल नहीं होता, मरते दम तक नहीं होता। आप ये देखो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सरदार अपना मनमोहन सिंह जी, वो बूढ़े हुए, मरते दम तक ही चेयर। अब ये ऊपर वालों का सोचना है, बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे। मेरी कोई सोच नहीं है, मैं मस्त आदमी। अच्छा, फिर मैं फिर पूछूंगा, चलो मन की बात नहीं, मन की इच्छा तो पूछते हैं कि शाह परिवार क्या सोच रहे हैं, मतलब बलबीर पाल शाह क्या सोच रहे हैं कि मैं जो ऊपर वाले की मर्जी, जो चीजें हमारे बस में नहीं है उसमें सोचेगा। किसी से कोई मांग नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। जो उसने दिया है बहुत दिया है, सबसे ज़्यादा तो इज्जत दी है, तो काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन ये भी एक शक्ति प्रदर्शन सा लग रहा है आज, मेरे ख्याल बड़े सालों बाद आपका जन्मदिन देखने ऐसे मनाते हुए, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही दिखा रहे हैं कि चुनाव नज़दीक हैं, अगोटी फिट हो जाए, देखी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, शक्ति प्रदर्शन इन नौजवानों से पूछो, मैंने तो कभी नहीं कहा भैया आप ब्लड कैंप लगाओ। चेहरा आप है ना, ये कैसे कैसे चेहरा तो कोई भी हो सकता है, मुझे तो एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट कर लिया, मैं आ गया, इसमें चेहरे की तो कोई बात नहीं। जन्मदिन आपका है? जन्मदिन है, कई बार हुआ है, और कई बार बाहर गया हूँ, कई बार ब्लड खुद भी डोनेट किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वो जहाँ मैं गया हूँ वहाँ ब्लड कैंप लगा है तो मैं चेहरा बन गया, ऐसे नहीं। ये तो वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकता। गोलमोल जवाब देते हो आपकी बात, गोल कमाल है, गोल तो फिर भी समझ आएगा, जीरो जलेबी नहीं समझ आने वाली। मतलब अभी जलेबी वाला काम चल रहा है, आप पकड़ते ही वहाँ से हो, आप जलेबी पकड़ लोगे तो मेरे भी पकड़ा दूंगा, ढूंढो। अच्छा, कितने साल के हो गया? अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं कितने साल का। जनता जानना चाह रही है कि मतलब शेर बूढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ वाकई में। यहाँ बैठा कैसा बूढ़ा दिखाई दे रहा हूँ? अभी तो मेरे सारे बाल नहीं सफेद हुए, यहाँ चोट लगी थी तो ये बीच में थोड़ी सी सफेदी आई हुई है, वरना तो अभी भी वैसे ही है काले, और डाई मैं करता नहीं। मतलब ओम प्रकाश चौटाला की तरह मजबूत हो, मतलब एक बार तो बनना बनना है। अब चौटाला साहब का मैं क्या, बहुत सीनियर आदमी है, उनका क्या मुकाबला किया जा सकता, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। हालांकि उन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी कराई थी 77 में, 78 में जाके मैं फारिग हुआ था इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से, एक एक कागज़ फोला था लेकिन क्लीयरेंस, और उसके बाद जो हमारे संबंध थे कहीं बढ़कर थे। मेरे घर भी है, मेरी पार्टी में जहाँ है वहीं रहे। नहीं, इस बात की तो पूरा देश दाद देता है कि शाह परिवार पे किसी का दाग नहीं है, भ्रष्टाचार का एक रुपये का दाग नहीं है, इसलिए आपका प्यार है कि लोग इतने जो है आए हैं यहाँ पे। तो भैया पैसा तो नहीं सब कुछ होता, मेरी TRP अपने आप बढ़ रही है, आप बताओ आपकी भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जितने ज़्यादा देखेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन कई बार TRP खराब भी कर देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं समझता कि आज तक जो भी आदमी मेरे साथ लगा है ईमानदारी से, जिसको जो राय दिया वो जिंदगी में कभी नीचा आया, जिसका फीता काट दिया दुकान का वो आज तक भी चल रहा, 50 साल बाद भी चल रही। अच्छा, अभी एक सवाल जवाब में एक सवाल और निकला, अभी कह रहे थे कि बड़ा नेता मेरे जो मिलने आएगा वो झाड़ खाएगा मेरे से,
अभी जब आप स्वस्थ हैं, जितने लोग आप देख रहे हैं इन दिनों में मिलने आ रहे हैं, कभी इनको झाड़ मारे आपने कि इतने दिन कहाँ से मैं मतलब बीमार था, को पता लेने भी आया कि मेरा नहीं? मेरा देखो ये मोबाइल किस काम के लिए है? आप हर जगह नहीं जा सकते, मोबाइल पे तो बात हो जाती है, सबकी बात हुई, ऐसे थोड़ी आ गए हैं, बात हुई, इनको बताया गया और यूट्यूब पे डाला गया, आ गए। लेकिन मोबाइल पे तो सारे शहर का हालात है, सारे शहर के हालात तो भी कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, कितने शहर के हालात सुधरे हुए हैं, कितने बिगड़े हुए हैं? जो यहाँ आ रहे हैं वो सब सुधरे हुए हैं, बिगड़े हुए उधर हैं, जाके बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लो, धरने में बैठे हुए हैं उनसे पूछो ना क्यों बैठे हैं, हमें तो कभी जरूरत नहीं पड़ी धरने में बैठने की, उनसे पूछो। लेकिन वो तो कह रहे अफसर डीड है हमारे, अफसर तो वही है। अब फिर मुझे वही पुरानी बात सुनानी पड़ेगी, सुना दो आज देखी जाएगी बर्थडे में ना इसको एक पड़ोसी को शौक चढ़ा, उसके पड़ोसी का कुत्ता बहुत लायल था, तो उसने कहा मैं भी पालूंगा, उसने पाला, पर वो उसकी बात को पूरी तरह समझता नहीं था, काफ़ी दिन हो गए समझाते, बात समझ नहीं आई उसके, वो पूछने लगा भाई ये क्या है, ना थोड़ी सी अकल इससे ज़्यादा होगी। अच्छा ये डायलॉग किस पे मारा ये? मुझे क्या पता, ये तो कईयों पे लागू होगा, ये सत्ताधारी नेताओं पे ही कर रहे होगे मेरे ख्याल तो। पता नहीं, मुझे क्या पता किसको लागू होगा किस पे नहीं होगा, ये तो आम है, चालू बात है, लोग करते हैं, हम सुनते हैं, आगे सुना देते। लेकिन मेरे ख्याल आपकी बात का कोई बुरा भी नहीं मानता होगा, आज के बाद आप मतलब पॉइंट भी मार जाते हो और आप काम भी पूरा जाता है। मुझे नहीं पता, कोई बुरा माने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना माने कोई दिक्कत नहीं, भैया बुरा तो वही मानेंगे जो अपने नहीं, अपना कोई बुरा नहीं माने। अच्छा जब आप सत्ता में थे, कांग्रेस का मतलब प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, मतलब पंजाबी नेता मेरे ख्याल पूरे हरियाणा में आप ही माने जाते थे, पंजाबी नेता हैं, वो बात भी चलती थी कि सीएम के दावेदार भी हैं, लेकिन फिर एंड टाइम पे आपकी कोई मतलब लात खींच देता था, वो लोग पता लेने आए आपका नहीं? मैं कह तो रहा हूँ कि कोई नहीं है, बस बात खत्म, क्यों लेंगे वो मेरा पता, क्यों लेंगे, उनकी अपनी नेतागिरी खराब होती है, मीटिंग में बुलाते हैं अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं, क्या फ़ायदा, क्यों बुलाएंगे, क्यों पता लेने आएंगे, क्यों सुनेंगे मेरी बातों। अभी ये कह रहा था वो तो गधा है, गधे के बच्चे गधे होते हैं, मैंने खच्चर भी होते हैं। चलो एक सवाल और करूंगा, तब की कांग्रेस को आज की कांग्रेस में कितना फर्क मान रहे आप? ये कोई फर्क नहीं है, वही है, वही है, कोई फर्क नहीं, वही का मतलब वही है जो पहले थी और क्या है, वही का मतलब वही अच्छी थी, ईमानदार थी, वो तब भी बहुत ईमानदार थे, आज भी बहुत ईमानदार है, पहले भी इग्नोर किया जाता था, अब भी इग्नोर किया जाता था, फर्क क्या है? दोनों बातें साझा कर दी आपने, बता तो रहा हूँ। फिर एक ईमानदार पार्टी आ रही है, आप पार्टी जो अपने आप को कह रहे ईमानदार है, वहाँ से लड़ लो चुनाव तो टिकट हंस के दे देगी आप। देखिए मैंने आम आदमी पार्टी से कुछ नहीं लेना, ना मैं कोई उनसे इम्प्रेस्ड हूँ, ये जो रेवड़ी ज़्यादा बांटने वाले लोग हैं ना इनसे डरता, ये देश का नाश करेंगे आज नहीं कल। तो फिर आपकी पार्टी भी तो इनके साथ मिल गई, मिल के सबके मेजोरिटी में इंडिया पार्टी बना दी, इंडिया कहाँ बनी, और कौन कौन I-N-D-I-A यही है ना इंडिया, तो डैश हटा देते हैं इंडिया ही बन गया फिर, दो आई भी हटा दो NDA हो जाएगा। तो फिर कैसे चलेगा, मैं अभी एक नेता का इंट्रो कर रहा था, वो भी ये कह रहा था मैं जो टीम हम लोग लड़ेंगे और ये सीट जो है शायद आपके खाते में चली जाए। मुझे नहीं पता किसी चीज़ का, वो कोई शायद जोशी वगैरह होंगे, पत्रा दिखाया होगा, मैं तो दिखाता नहीं, मैं तो ये जानता हूँ कि जो ऊपर वाला करता है वही ठीक होता है, अगर उसने मुझे बीमार किया वो भी ठीक था, अब स्वस्थ हूँ ये भी ठीक है,
आप सीधा ही पूछ लो ना मेरे भाई। नहीं, वो कैमरा मैन पीछे से कहेगा ना जी इतनी देर का हो गया थोड़ा सा कम कर लो। अच्छा अच्छा, आपके एक पार्टी का नेता रणदीप सुरजेवाला, वो तो वोटरों को कह रहा है राक्षस है, जिसने बीजेपी को वोट दिया तो राक्षस जाति से है। देखो इस चीज को आप ना छेड़ो, किसी वक्त आदमी गुस्से में आकर बहुत कुछ कह देता है लेकिन वो सब सही नहीं होता। आज बहुत सारे नेता कह रहे हैं जी ये शिव शक्ति क्यों नाम रखा, तिरंगा क्यों रखा। नेहरू पॉइंट हो सकता है, तिरंगा क्यों नहीं हो सकता, शिव शक्ति क्यों नहीं हो सकता, क्या हम हिंदू नहीं है? आप सिख हो तो क्यों गुरु अपना गोविंद सिंह ने दे शिवा वर मोहे शिव का नाम क्यों लिया? आपको भी दिक्कत है उससे बताओ। शुभ कर्मन से कभी न टूटो, तो ये सारा चलता है। उन्होंने कुछ ना कुछ कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कर लो। चलिए कुछ कुछ बातें बाद में करेंगे। तो फिलहाल आज इनका जन्मदिन है, हम बधाई भी दे रहे हैं जी, पूरा पानीपत जो बधाई देने के लिए आया। तो आप जुड़े रहे भाई सो पानीपत के साथ। नमस्कार।